सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, मैं स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे मिलकर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और गाइस एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशन चैनल, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ, एक मिनट बस। जैसे आपको पता है कि ये वीडियो आते आते, मुझे लग रहा है ये वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते अपना जो 600 के हो चुका रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे, 600 के कंप्लीट हो चुका रहेगा। सो गाइस आपने जो इतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाया उसके लिए दिल से थैंक्स। और आपको पता ही चल गया होगा कि अभी तक कौन सा प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे थे और हम क्या ला रहे हैं, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, आप वो जो वहां देख चुके होंगे। और गाइस प्लीज उसमें भी जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाए, उतना प्यार दिखाए, क्योंकि वो कुछ अलग चीज है और आप तक वो चीजें नए तरीके से हम पहुंचाने वाले। तो आपके प्यार एंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है, उसको भी जितना हो सके उतना शेयर करें एंड वीडियो कंटिन्यू लोगों तक पहुंचाए, जितना हो सके उतना पहुंचाए गाइस। ओके, बाकी तो आप करोगे ही। और अभी तक के लिए गाइस मैं यही बोलूंगा कि आपने 600 के पूरा करवा दिया जब तक ये वीडियो जाने वाला है, इसीलिए मैं पहले थैंक्स आपको बोल देना चाहता हूँ। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड, मतलब देखो अब ये जी जो है ना हमें एल्टीट्यूड पे फाइंड करना है, लैटिट्यूड पे फाइंड करना है और डेप्थ में फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ जी हर जगह लैटिट्यूड पे उसकी वैल्यू क्या होती है, एल्टीट्यूड पे उसकी वैल्यू क्या होती है, फिर इसका डेप्थ में उसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमें फाइंड करना है। उससे रिलेटेड छोटा सा फॉर्मूला निकलेगा जो बहुत ज्यादा सिंपल इक्वेशन फॉर्म होगा, जो बहुत ज्यादा सिंपल है। सो गाइस अब सबसे पहली बात, जी हमने कैसे फाइंड किया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पर मैं एक बार और बता देता हूं जी कैसे हमने फाइंड किया था। चलो हमने क्या किया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हमने यहां जी लिखा। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था जी एम एम अपॉन ओके आर स्क्वायर, देन गाइस दोनों को हमने इक्वेट किया था, दोनों को इक्वेट किया था और दोनों साइड से ये एम एम क्या हो गया था, कैंसल हो गया था। जी की वैल्यू क्या, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया। तो ये आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर एच जीरो है, मतलब मान लो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे है, तो हाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो गाइस ये मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एफ इक्वल टू एम जी लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखो, दो ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, दोनों को क्या करो इक्वेट करो, इक्वेट करने के बाद दोनों साइड से ये जो मास ऑफ द बॉडी वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। और आर मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आर मतलब ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो इसीलिए यहां ये स्मॉल आर के को रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो गाइस बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे है, तो हर अर्थ के सरफेस पे ही है तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये हमारे ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी किसके लिए, अर्थ के सरफेस के लिए। सो गाइस इस तरह से हम जी फाइंड कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा और आपको आपको ये क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था पूरा अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन किया था, बट आज मेरा काम है गाइस बताना है कि जो जी है जी की वैल्यू एल्टीट्यूड पे क्या होती है, उससे रिलेटेड एक छोटा सा इक्वेशन है। सो हम इसको कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले कुछ चीजें हमें कंसीडर करना है, स्मॉल एम मीन्स मास ऑफ द बॉडी जो सर्टन हाइट पे है, एच हाइट ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, जी हमारा जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी ऑफ एच एल्टीट्यूड भी फाइंड करना है, इसलिए हमने जी ऑफ एच भी लिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट एच। सो स्टार्ट करते हैं अब, देन गाइस सबसे पहले हम लेंगे जी और जी कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया आपको, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये गाइस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां का है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। और कैसे निकालते हैं मैंने पहले बता दिया कि हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीजें हमने पहले क्लियर कट बता दी, तो आप चाहिए तो उस तरह से फाइंड करके देन इसके आगे इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देन गाइस अब मुझे एट सर्टन हाइट एच पे फाइंड करना है, सर्टन हाइट एच पे फाइंड करना, तो सेम जी ऑफ एच जी एम अपॉन
ये आर अब सर्टन हाइट एच पे है, एच पे है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ आर और एच। या तो बहुत लोग स्मॉल आर लिखते हैं, बट स्मॉल आर की जगह, क्योंकि मुझे अभी ये दोनों को इक्वेट भी करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं R प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके गाइस, मेरे ख्याल से आपको क्लियरली एकदम पूरा क्लियर कट समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। G इक्वल टू यू अपन आर स्क्वायर, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, और G ऑफ H एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट H, जो GM अपॉन R प्लस H है। R प्लस H मतलब स्मॉल r। अब गाइस क्या हम करेंगे, ये हमने, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, तो सो गाइस हम क्या करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकेंड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो सेकेंड हमारे लिए क्या है, जी ऑफ एच, फर्स्ट क्या है, जी, जी ऑफ एच की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन, जी ऑफ एच की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एंड गाइस जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब गाइस देखो एकदम ध्यान से, प्यार से देखो, देखो जी एम कैंसिल, ये जी एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां हमारा फाइनल, यहां नीचे लिखता हूं, जी ऑफ एच अपॉन जी इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारा R प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, सो गाइस मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है, अब आगे चलते हैं आगे का। सो गाइस अब फाइनल G ऑफ H, मैं एक बार और आपके लिए लिख लेता हूं, G ऑफ H, G R स्क्वायर R प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो गाइस हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टन हाइट H, मतलब एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो हम उतना ही फाइंड करेंगे। G को डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G ऑफ H, ये डिवाइड में था इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया R स्क्वायर अपॉन, ये देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों को क्या कर लेता हूं, मैं डायरेक्ट R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे ले लेता हूं ना, देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो G ऑफ H इक्वल टू G ब्रैकेट R अपॉन R प्लस H का ब्रैकेट क्लोज क्लोज और होल स्क्वायर हो गया R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। सो गाइस ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट H। सो गाइस यहां तक ही आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट H, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, सो गाइस मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छा, कुछ भी इतना तो था नहीं, पहले G की वैल्यू, G ऑफ H की वैल्यू, G ऑफ H को G से क्या किया हमने, डिवाइड किया, डिवाइड करने का GM GM क्या हो गया, कैंसिल हो गया, GM GM कैंसिल के बाद जो R स्क्वायर था वो ऊपर चला गया, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। देन गाइस G ऑफ H, G, G को हमने क्या किया, डिवाइड में था इक्वल की साइड लेके मल्टीप्लाई में, और जो स्क्वायर ये भी स्क्वायर था तो कॉमन हमने एक कॉमन ब्रैकेट ले लिया, तो R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर हो गया। ओके, सो गाइस इसमें क्या आर्ट है, तो मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस। ओके, अगर अच्छा लगे तो अकेले छुपा के मत रखना, और गाइस सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना, जय हिंदू।